दरभंगा मेला गोमती रैक पॉइंट के पास लेबर के दो गुटों में हुआ हंगामा। दोनों गुट मजदूर हैं। दोनों दरभंगा बेला रैक पॉइंट पर मालगाड़ी के डिब्बे से सामान उतारने और अपलोडिंग का कार्य करते हैं, जो कि लेबर उस समय मुन्ना सिंह के अंतर्गत काम करते थे, जिसके बाद दोनों पक्षों का लगभग 2.45 करोड़ रुपए मजदूरी बकाया हो गया, जिसके बाद लेबर मेट मुन्ना सिंह से अपनी मजदूरी मांगने के लिए जाया करते थे, तो उन्हें आजकल कहा जाता था, जिसके बाद लेबर द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष में से एक मजदूर को ही लेबर मेट के रूप में चुन लिया जाए और उसी के अधीन मजदूरी करे, जिसके बाद दोनों पक्ष एवं अन्य मजदूर आपस में सर्वसम्मति से हरेराम यादव को अपना लेबर मेट चुना तथा निर्णय किया कि प्रथम पक्ष की अगुवाई में ही मजदूरी भुगतान किया करेंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जिसके बाद दोनों की सहमति से कारनामा बनाया गया, दोनों ने उस पर अपना हस्ताक्षर अंगूठा का निशान लगाया। साथ ही निर्णय लिया गया कि इसकी छायाप्रति रेलवे स्टेशन प्रबंधक को देंगे, विधिवत पूर्व की तरह मजदूरी का काम करेंगे हरे राम के नेतृत्व में, जिसके बाद से लगातार रैक पॉइंट पर दूसरे पक्ष के द्वारा लेबर को काम करने में बाधा और उनके साथ हाथापाई करने लगे, जिस क्रम में आज रैक पॉइंट पर दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। यूनिवर्सिटी थाना पहुंचकर मामले को शांत करवाया और साथ ही कहा कि दोनों पक्षों का बैठक कर आगे निर्णय लिया जाए। इस मामले को लेकर हरेराम लेबर मेट ने आगे क्या कुछ कहा वह भी जानेंगे और दूसरे पक्ष में भी इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। आज रैक पॉइंट पे हमारे मुन्ना सिंह जी पैसा, हम लोग जो रैक पर काम करते हैं, तो पार्टी पेमेंट कर रहा है डायरेक्ट अकाउंट पे, ठीक है, मेरा अकाउंट पे पेमेंट कर रहा है जी। जो मुन्ना सिंह जी आज, मुन्ना सिंह कौन है? मुन्ना सिंह पूर्व पहले से मेट है, पहले से मेट था, अभी मेट नहीं है, हमारे नौबक्सा में मेट अभी नहीं है, और वो हमारे पैसा को पार्टी डिस्टर्ब कर रहा है कि हरेराम को पेमेंट नहीं करना है, वो पेमेंट हमारा अकाउंट पे होगा। पार्टी सारा पेमेंट हमारे अकाउंट पे कर रहे थे, उनको 7-8 रोज से मना कर दिया, उसके कारण हम लोग आज पार्टी लंग गए हैं। पार्टी के बोले हैं कि भैया हम लोग का पेमेंट, जो भी पेमेंट है वो हम लोग जैसे कर रहे थे इसी तरह हमारे अकाउंट पे पेमेंट कीजिए। नहीं नहीं, आपने कहा कि मुन्ना सिंह पूर्व में थे मेट में पहले, और आपके नौ बक्सा से अभी उनका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो किस तरह से दबाव डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं कि उनके खाते में पैसा जाए? वो हमारे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा। हमारे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि किसी तरह इसको डिस्टर्ब किया जाए और हमारे पैसा नहीं आने, डिस्टर्ब कर दिए, पेमेंट नहीं आ रहा था, डिस्टर्ब हो गए, उसके कारण वो हमारे लेबर को तोड़ना चाह रहा है। अच्छा। किसी तरह चाह रहा है इसको, लेबर को बदनाम कर दे, लेबर बिखर जाए, है ना, और वो मतलब परेशान करके रखे हुआ है, परेशान करके बिल्कुल हम लोग को परेशान कर दिए हैं। और हम लोग जो है पार्टी से पैसा मांगने गए तो आज क्या किए मुन्ना सिंह, भारी संख्या में लेबर को लाए हैं और हमने पर हमला किए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लेबर धक्का धुक्की दिए हैं, ठोटी पकड़ लिए हैं। हम लोग कहे बाबू आप लोग से झगड़ा नहीं है, हम पार्टी से अपना पेमेंट मांगने गए, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है? तो बोला कि नहीं, तुम रह के बिगाड़ दोगे, इसमें सर हम कमा रहे हैं, पैसा अपना मांग रहे हैं, इसमें दूसरा क्या दिक्कत है? जबकि नहीं मुन्ना सिंह को हम बोलना है, नहीं किसी का, जब पार्टी का काम किए हैं, पार्टी से पैसा मांग रहे हैं। तो पार्टी से क्या बात हुई आपकी, पार्टी क्या कर रही है? पार्टी बोलने की ठीक है, ठेकेदार को हम बुला देते हैं, आपको पैसा दिलवा देते हैं। उसी बीच में मुन्ना सिंह, तो आपने कहा कि मतलब कि तो पार्टी से हमारी बात हुई है, तो पार्टी का क्या कहना है इस रोल में? पार्टी का कहना है हमें तो किसी को पैसा देना है, या पैसा तुम लो या कोई ले। तो पार्टी को मैंने बोला सर हम तो 6 महीना से पैसा ले रहे हैं, 6 महीना जब पैसा ले रहे हैं तो आज हमारे पैसा क्यों रोक रहे हैं, क्या रीजन है, हमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत कुछ नहीं, मुन्ना सिंह पैसा आपको रुकवाया है और बोल रहा है पैसा मेरे अकाउंट में लगाइए, तो उनको क्यों ऐसा बोल रहा है तो ये हम नहीं बता सकते क्यों आप ऐसा बोल रहा है, लेकिन पैसा वो रोक लिया है। अच्छा, तो ये मुन्ना सिंह आपके पैसा को रुकवाने में मतलब नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं है, क्योंकि पहले मेट था अभी मेट नहीं है, हमारे पूरे लेबर उनको स्वीकार मेट नहीं कर रहे हैं। हमारे ठेकेदार जैसे हुआ कि लाधा वाले हैं, महासेठ जी हैं, एफसीआई में चुन्नू सिंह आए हैं, जो न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।